वैसे तो दुश्मन की आंख में धूल झोंकने और उस पर हमला करने और अपने आप को शिकारी जीवों से बचाने वाले जीवों के बारे में आपने तो देखा या सुना ही होगा। मैं ऐसे जीवों के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। वैसे तो दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो रेगिस्तान और बिहड़ों में अपने आप को इतना कुशल शिकारी बना चुके हैं कि यहाँ पर कब और कौन सा जीव शिकार हो जाए उसकी भनक तक नहीं लगती। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और आप लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। एंट लायंस डेथ ट्रैप। ये जीव अपने शिकार को फंसाने के लिए रेगिस्तान में डेथ ट्रैप बनाता है। ये ऐसा ट्रैप होता है जिसमें से शिकार का निकल पाना बेहद ही मुश्किल होता है और अक्सर इसका शिकार होती हैं चींटियां। इसलिए इसे एंट लायन कहते हैं। सबसे पहले ये किसी एक जगह पर रेत के भीतर घुसकर वहां 45 डिग्री के एंगल पे कोन शेप में एक होल बनाता है। कोन की गहराई और एंगल इतनी ज्यादा परफेक्ट होती है कि छोटे मोटे कीड़े या चींटियां इससे बाहर नहीं निकल पाते। एक बार डेथ ट्रैप बनने के बाद एंट लायन अपने कोन के ठीक नीचे अपने शिकार का इंतजार करता है कि कोई कब इंसेक्ट इस डेथ ट्रैप में गिरे। जैसे ही कोई इंसेक्ट या कोई चींटी इस ट्रैप में गिरते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी रेत के छोटे छोटे कण ढहने लगते हैं जिससे इंसेक्ट्स या चींटी बाहर की तरफ निकल नहीं पाते। इधर एंट लायन रेत के कणों को बाहर की तरफ फेंकने लगता है जिससे ऊपर की रेत कोन के बेस में ही ढहने लगती है और शिकार फिसलने लगता है। एक बार जब शिकार एंट लायन के पकड़ में आता है तो फिर वो उसे डंक मारकर उसे पैरालाइज कर देता है और कभी कभी अपने शिकार को पकड़कर और उसे पटक पटक कर उसकी जान ले लेता है और फिर लास्ट में उसे पकड़कर इस डेथ ट्रैप के भीतर उसे गायब कर देता है। साइड वाइंडर स्नेक। ये सांप 18 घंटे प्रति मील की स्पीड से चल सकते हैं, मगर ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसका पीछा नहीं करते बल्कि एक जगह पर छुपकर अपने शिकार के लिए उस पर घात लगाए बैठे रहते हैं। सबसे पहले ये अपने शिकार को टारगेट करता है, फिर ऐसी जगह तलाश करता है जहां पर उसके टारगेट जीव की अच्छी खासी गतिविधि होगी और उसके अनुकूल होगी। फिर उस जगह पर अपने शरीर को टेढ़े मेढ़े तरीके से हिला हिला कर अपने ऊपर रेत डालकर अपने आप को छिपा लेता है और सिर्फ बाहर रह जाती है तो वो आंखें दूसरी तरफ खतरे से अनजान छिपकली अपने भोजन के तलाश में जाने अनजाने में मौत के मुंह में पहुंच जाती है। वो जाने अनजाने में ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एक खतरनाक शिकारी उसके लिए घात लगाए उसका इंतजार कर रहा है। शिकार के नजदीक आते ही ये खतरनाक सांप अपने शिकार को झट से दबोच लेता है। गोल्डन मोल। साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला ये जीव बेहद ही खास तरह का जीव है। इसकी खासियत यह है कि ये रेगिस्तान में तैर सकता है, मतलब रेत के भीतर भीतर ये जीव तैर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे मछलियां पानी में तैरती हैं, गोल्डन मोल बिल्कुल अंधा होता है क्योंकि इसकी आंखें और इसके स्किन इसके फर से ढके रहते हैं, लेकिन इसके सेंसिटिव कान इतने सेंसिटिव होते हैं कि रेत पर होने वाली जरा सी भी हलचल को ये सुन लेते हैं। बिना आंखों के भी ये अपने शिकार को एग्जैक्ट उसी जगह पर दबोच लेते हैं। अभी तक इस जीव की 21 अलग अलग प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। स्पूर स्पाइडर। ये मकड़ी शिकार पर छुपकर हमला करने से पहले अपने आप को रेत के जाल में छुपा लेती है। छुपने के लिए ये एक ऐसी जगह को ढूंढती है जहां पर चींटियों की आवाजाही लगी रहती है। ये स्पाइडर पहले तो गर्म रेत के रेगिस्तान के कड़ों के नीचे छुप जाती है और अंदर ही अंदर थोड़ी गहराई तक एक नली बना लेती हैं और बाहर छोड़ देती हैं अपना सबसे खतरनाक हथियार यानी मकड़ी का जाल, जिससे ये पता चल सके कि कोई जीव उसके जाल को पार करने के दौरान फंस चुका है। फिर मकड़ी रेत के अंदर छुपकर कस कस कर सांस लेकर ये दिखाती है जैसे वहां पर कोई छोटा सा जीव है, जिससे चींटियां भोजन समझकर आकर्षित होती हैं और जैसे ही उस ट्रैप को टच करती हैं, स्पाइडर बिजली की तेजी से हमला कर देता है और देखते ही देखते अपने शिकार को रेत के नीचे खींच लेता है। स्पाइडर हंटिंग वास्प। कड़कती धूप और हर पल शिकार के खतरे से बचने के लिए गोल्डन स्पाइडर रेत में बिल खोदकर अपना घर बनाते हैं। झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए ये मकड़ी अपना घर बनाने के लिए लगभग 50 सेंटीमीटर तक बिल खोदती है ताकि इतनी गहराई में रेत के कण गर्म ना हो।
यहाँ रेगिस्तान में इस मकड़ी का कोई कट्टर दुश्मन है तो वो है स्पाइडर हंटिंग वास्प, क्योंकि ये मकड़ियों को बड़ी भयानक मौत मारती है। रेत के घर में छुपे मकड़ी को ये हंटिंग वास्प बेसब्री से ढूंढती रहती है और जरा से भी भनक लगने पर ये रेत को बहुत ही तेजी से खोदने लगती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपनी बॉडी वेट का 80,000 गुना तक रेत के कणों को इसी स्पीड से पीछे की ओर फेंक सकती है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे खतरनाक शिकारी से स्पाइडर का बचना कितना मुश्किल है। लेकिन ये गोल्डन स्पाइडर भी हार नहीं मानते और जान बचाने के लिए एक टेक्निक अपनाती है। वो अपने शरीर को किसी बॉल के जैसे गोल करके रेत के टीले से नीचे की तरफ रोल करने लगती है। ये मकड़ी लगभग 44 चक्कर प्रति सेकंड के हिसाब से रोल करते हुए नीचे की तरफ भागती है। कभी कभी इस टेक्निक से ये इतनी दूर निकल जाती है कि इसकी जान शिकारियों से बच जाती है, लेकिन हर बार इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। वास्प के खतरनाक डंक से मकड़ी पैरालाइज हो जाती है और फिर मकड़ी के पेड़ के अंदर वास्प अपने अंडे इंजेक्ट करके उसे रेत के बिल में ही छुपा देती है। दोस्तों, क्या आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजोन के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेजोन का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेजोन के जंगल से ही आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेजोन के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अमेजोन के जंगल की सैर पर। लैटिन अमेरिका में मौजूद ये अमेजोन का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका 60% भाग ब्राजील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में और जो बचा 17% वो बाकी के 5 देशों में फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेजोन के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं? ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है, यानी कि कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँच ही नहीं पाती है। दुनिया के जंगलों से 62% हिस्सा अमेजोन के जंगलों से ही आता है। क्या आपको पता है कि अमेजोन के जंगलों का कुल क्षेत्रफल 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेजोन का जंगल कितना ज्यादा विशाल है, जो पूरी पृथ्वी के 4% हिस्से में फैला हुआ है। दोस्तों, अमेजोन की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 4,000 मील लंबी है। लेकिन अगर पानी के स्टोरेज की बात की जाए तो अमेजोन की नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, आज अमेजोन के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेजोन के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं और वह हमारी दुनिया से कॉन्टेक्ट में भी है और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर देके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।